दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi के 9A डिवाइस के एक बेसिक से प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है यहां पर बैकग्राउंड ऐप्स को लेकर। दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों का शिकायत मेरे पास आ रहा है कि उनका फ़ोन का जो बैकग्राउंड ऐप्स है वो ऑटोमेटिक यहां पर क्लोज हो जा रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐप्स को यूज़ में कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पर रिसेंट मेन्यू में जाकर यहाँ पर दूसरे किसी ऐप्स को खोलता हूँ, तो जो ऐप्स मैं पहले यूज़ कर रहा था या फिर कोई गेम खेल रहा था या कोई वीडियो देख रहा था, जो भी चीज़ मैं चला रहा था, वो क्या होता है ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा काम जो है वो कई बार ख़राब भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर Redmi 9A डिवाइस के बैकग्राउंड ऐप्स का जो ऑटो क्लोज प्रॉब्लम है, अपने आप जो प्रॉब्लम हो जाता है बंद हो जाता है, उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से एकदम रियल ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका फ़ोन का टोटल प्रॉब्लम सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले अपना फ़ोन का जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है इसको ओपन करना होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर एक क्लीनर का ऑप्शन है, इसको सबसे पहले इसी तरह आप क्लीन कर दीजिए, ठीक है। ये मेन ट्रिक नहीं है, मेन ट्रिक मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। इसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि ये भर जाता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ोन आपका लैग करने लगता है, ठीक है। तो इसको क्लीन कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा, आपको यहाँ पर सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाना होगा। उसके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है क्लियर कैचिन विन डिवाइस इज लॉक्ड। ये जो ऑप्शन दोस्तों 10 मिनट क्लिक किया हुआ है, जिसमें जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही डिवाइस आपका लॉक होता है, उसके बाद जो भी चीज़ आपका रिसेंट मेन्यू में चल रहा था वो सभी ऑफ हो जाएगा 10 मिनट के बाद। तो इसको यहाँ पर आपको नेवर में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेवर में क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं नेवर मैंने कर दिया है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, कभी वो क्लीन नहीं होगा, वो हमेशा रिसेंट मेन्यू में आपका रहेगा, जिससे कि आप उसे फिर से आप वहीं से अपना काम को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपका डेटा के साथ भी उसी तरह कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ समय में बंद कर सकते हैं या फिर आप चाहते तो हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब बढ़ते एक और मेन ट्रिक के बारे में, जो कि इसका इससे और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये तो स्विच मतलब फ़ोन लॉक होने के बाद वर्क करेगा, लेकिन वो आपका फ़ोन ऑन में ही वर्क करेगा। उसके लिए आपको फ़ोन का यहाँ पर सेटिंग में आना है, अबाउट फ़ोन में आना है, उसके बाद आपको MIUI 11 के वर्जन के ऊपर आपको बहुत बार टैप करना है। तो यहाँ पर लिख देगा यू आर नाउ ए डेवलपर, ये जैसे लिख देगा दोस्तों नाउ ए डेवलपर, उसके बाद आपको बैक चले जाना है, उसके नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, वहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही वो ऑप्शन आपको मिल जाता है उस पर क्लिक कर देना, और सबसे नीचे में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, जो कि यू आर नाउ ऑन डेवलपर अगर बोलेगा तभी यहाँ पर ये डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये अगर ऑफ रहेगा तो सबसे पहले आपको इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको एकदम नीचे चले जाना है, ठीक है, एकदम नीचे चले जाना है, उसके बाद नीचे जाना है, उसके नीचे से थोड़ा सा ऊपर आना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स का हो सकता है कि कुछ भी यहाँ पर टिक हो सकता है, यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस अगर होगा आपका, तो कुछ भी ऐप्स कुछ भी आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। जो आप चलाओगे सिर्फ वो चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वन रखोगे तो क्या होगा कि आपके जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसके अलावा एक और ऐप चलेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 4 ऐप्स तक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हो, चाहे तो आप स्टैंडर्ड लिमिट रख सकते हो यहाँ पर, चाहे तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस रख सकते हो, मतलब नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखो तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो 4 रख सकते हो कि 4 चीज़ें चलनी चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट रख दो, जिसमें कि क्या होगा कि आपका में जितने भी ऐप्स हैं सब चलेगा, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो रख सकते हो उसके बाद ये दोस्तों ट्रिक है, इसको क्लिक करके मतलब चेक करके जरूर जरूर चेक आप मुझे बताइए कि आपका फ़ोन में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा है या फिर ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ।
बाकी दोस्तों इसको करने के बाद आपका फ़ोन जरूर से जरूर ठीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।